हाय फ्रेंड्स, आज एक भाई का कमेंट आया था और उन्होंने वीडियो भी भेजा है, तो मैं बताऊंगा कि इसका वाट कैसे बढ़ाएं। गहनेक्स कंपनी का ये 85 वाट का एम्पलीफायर भेजा है उन्होंने, तो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इसमें 30-55 चार पीस ट्रांजिस्टर पीछे लगे हैं, पावर ट्रांजिस्टर है आइडियो के लिए, और एक 30-55 लगा है ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चलाता है। दोस्तों, ये देखिए 30-55 ट्रांजिस्टर है चार पीस जो पावर ट्रांजिस्टर है, और इसके दाएँ साइड जो है वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। दोस्तों, ज्ञान एम्पलीफायर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजीव रंजन कुमार। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपने एम्पलीफायर का वाट बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें, कॉल करें, मैं ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, ये देखिए चार पीस 6 एम्पियर का डायोड आपको दिख रहा है, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर, इसके दाएँ साइड ड्राइवर ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ये कैसेट प्लेयर मशीन थी, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका वाट बढ़ाने की टेक्निक और कुछ उपाय बताऊंगा, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। दोस्तों, ये 5 वाट 1 ओम की 4 पीस रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक लोड रेजिस्टेंस भी लगी है। ये जो पैनल आप देख रहे हैं, 4 ट्रांजिस्टर वाले माइक बोर्ड है, और यह बेस ट्रबल बोर्ड है, बीटी बोर्ड, इसमें डबल प्रीसेट लगा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए वॉइसिंग वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस लगे हैं 2E2 3 वाट की, और 3.9 ओम्स 5 वाट की है, और एक 150 ओम्स की रेजिस्टेंस है जो पॉजिटिव से वाइसिंग वोल्टेज बनाने का काम करता है, और नेगेटिव के लिए 2E2 वाट 2.2 ओम 3 वाट की रेजिस्टेंस लगी है, और दाएं साइड 4 पीस आपको 6 एम्पियर की डायोड दिखेगी। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर अगर यहीं रखना चाहते हैं तो ठीक है, सिर्फ आपको ट्रांजिस्टर चेंज करना है। 30-55 की जगह पर 37-73 ओरिजिनल लगाइए। ये देखिए गैनेक्स कंपनी की लोगो दिख रही है, 4 पीस माइक है, इसमें एक मास्टर है, एक बेस और एक ट्रेबल है। USB पैनल आपको दिख रहा होगा, ये मेन AC ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट इन करता है, बनाता है। दोस्तों, इसे भी आपको बदलना होगा, ये लगभग 7 एम्पियर का होता है, 12 वोल्ट 7 एम्पियर का 12012 होता है, आपको यहाँ लगभग 15 एम्पियर के आसपास लगाना होगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा किस तरह से आपको ट्रांसफार्मर बनाना है, न्यू ट्रांसफार्मर की पूरी डाटा मैं बता दूंगा। तो मैं अभी इसी वीडियो में ही बताऊंगा, आप इस वीडियो पर बने रहें और पूरी देखें इस वीडियो को। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो ज्ञान एम्पलीफायर पर जुड़े रहें। दोस्तों, ये आइडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, तो आइडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर बदलने की अभी आवश्यकता नहीं, ये लगभग 200 वाट के लिए काफ़ी है। ये देखिए, ये 1.5 इंच इसकी बोबिन साइज है, 33 नंबर कोर है, ये 200 वाट तक आराम से लोड बजाएगा। हाँ, इस ट्रांसफार्मर को चेंज कर सकते हैं, ये भी 1.5 इंच में है और 3 नंबर कोर है, इसको 2 इंच में कीजिए, और 2 इंच में करने के बाद उसका डाटा मैं एक बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस एम्पलीफायर को 4 पीस 37-73 ओरिजिनल बेल के ट्रांजिस्टर लगाकर आप 200 वाट की बना सकते हैं। तो दोस्तों, ओरिजिनल बेल के 37-73 ट्रांजिस्टर खरीदें और इसमें 4 पीस लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी वाट बढ़ाने हो एम्पलीफायर की, तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें या मुझे कॉल करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय हिंद।